मैथ चैनल। आज हम सीखेंगे डीडीएल एल्गोरिथम क्या होता है, डीडीएल लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे दिए लाइन के किसी भी ए और बी, 5.4 है x1 y1 और x2 y2 हमारा 12.7 हमारे को ये गिवन है। ठीक है, सो हमें सॉल्यूशन में क्या करना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो x2 - x1 हो जाएगा और ये y2 - y1 हो जाएगा। तो हमने निकाला 12 - 5 दैट इज 7 एंड 7 - 4 दैट इज 3। सो अब इन पहले हमने इसका स्लोप निकाल लिया, डेल्टा वाई बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल एक्स हो गया 3/7 दैट इज लेस देन 1, तो हमारा थीटा क्या होगा 45 से कम होगा। ठीक है, हमें स्टेप और लेंथ एक वेरिएबल है हमारा, मतलब हम जो भी हमारा मतलब एक बेसिकली एक वेरिएबल है जिसमें हमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है डेल्टा और एक्स और डेल्टा वाई की, जो भी ज्यादा होता है इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो हमारा स्टेप और लेंथ हो गया, मैक्सिमम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। तो यहाँ पे 7 और 3 में से 7 आ गया। फिर एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट क्या है हमारा, ये हमारे वो वेरिएबल से जो बता दे कि एक्स की वैल्यू पॉइंट करते हुए कितने गैप से बढ़ेगी। तो 5 है तो सॉल्व करके हमारा 1 आया। कैसे आया, इसके फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन स्टेप, स्टेप या लेंथ जो भी आपने वेरिएबल लिया यहाँ पे आएगा 7/7 1, मतलब एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से, 5 है तो 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन जब तक हमारा 12 नहीं आ जाता है। वाई इंक्रीमेंट वही 3/7 दैट इज 0.4। एक बात है कि हम कभी भी पिक्सल्स को पॉइंट में प्लॉट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ हमारा होता ही नहीं, वो हमारा इंटीजर वैल्यू ही हमारी प्लॉट होती है, तो हमें इसको बाद में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना है, जैसे देखिए एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट हमने जो किया है, अब हम इसका एक टेबल टाइप का बना रहे हैं समझने के लिए। स्टार्टिंग थी 5 से 12 तक जाएगा, 5 से लेकर 12 तक इंक्रीमेंट हुआ, यूनिट इंक्रीमेंट 5 इनिशियली 4 था, 4.4 4.8 0.4 से हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है वाई की, वाई इंक्रीमेंट की वैल्यू। ठीक है, सो 5.6 के बाद हमारा आएगा 6.0 देन 6.4 एंड 6.8। अब हम पिक्सल्स को भी मैंने बताया कि प्लॉट आप पॉइंट्स में नहीं कर सकते, तो अब हम इसको राउंड ऑफ मारेंगे, तो ये हो जाएगा 4 5, ये 5 हो जाएगा, इसी ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 6 एंड देन 7। ठीक है, हमें इसको राउंड ऑफ कर लिया, तो बस हमें इसको क्या करना है, सिंपली अब एक ग्राफ पे प्लॉट कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हो गया 13 12 11 ग्राफ बना लेता हूँ। वेट, अब हमने यहाँ पे इस पे प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पे जो हमने ये बनाया हुआ है, एक्स मतलब 5 पे 4 है वैल्यू, सो 5 पे आर वैल्यू इज समथिंग हेयर 4 देन 6 पे 4.4 दैट इज हमने 4 लिया, तो 6 पे भी हमारी 4 ही पॉइंट होगा। सिमिलरली 7 पे हमारा 5 हो जाएगा समवेयर है, 8 पे 5 है, 9 10 11 पे 6 है, एक जरा सा ऊपर 1 2 3 और 12 पे हमारा है 7। ठीक है, समवेयर है जो भी रफली आइडिया। ठीक है, तो हमारा बेसिकली ये पॉइंट्स ऐसे दूर दूर नहीं दिखेंगे हमारे, एक्चुअली कंप्यूटर में पिक्सल्स में पॉइंट प्लॉट होगा, तो हमारा पिक्सल ऐसे ऐसे होगा, तो ये हमें जुड़े हुए ही दिखेंगे पॉइंट्स जो हमारे होंगे ऐसे करके पूरे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मतलब डिस्टॉर्ट आता है लाइन में, तो प्रॉपर एक स्मूथ लाइन नहीं बन पाती है बेसिकली, तो हमारा ये है, तो इससे हमारा ये है, हमने लाइन डीडीए एल्गोरिथम इसलिए हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। तो डीडीए के ड्रॉबैक्स हमारे क्या हैं, ड्रॉबैक्स ये है कि वी कैन नेवर ड्रॉ अ स्मूथ लाइन, वी कैन नेवर draw a smooth line, एक तो ये हो गया लाइन एंड सेकेंड वन इज इट इज वेरी स्लो एल्गोरिथम। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, जो हमारा कैलकुलेशन है देख सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में भी आ रहा है, बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन। इससे क्या होता है, हमारा सीपीयू का जो कैलकुलेशन टाइम होता है वो बढ़ जाता है, तो इससे हमारा परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो जाता है। सो ये बेसिकली हमारे डीडीए एल्गोरिथम के हमारे डिसएडवांटेज भी हो गए। ओके, कुछ सीखा होगा इस, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आगे एक सीरीज कंटिन्यू रखते हैं।